हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर जिसने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए, यहाँ से आज हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे आंसर की जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे अपना आंसर की डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपना। और SSC, रेलवे, व्यापम, UPSC, स्टेट PSC सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के करंट अफेयर्स यहाँ से कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे IDDR भी बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को, जो कि हर साल 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है तो आइए समझते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण या IDDR दिवस, इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक और सरकार को अधिक आपदा लचीला समुदाय और राष्ट्रों को निर्माण में जो कि भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का जो कि का उद्देश्य है। इस वजह से आपका 13 अक्टूबर को जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है हर साल आपके 13 अक्टूबर को। तो याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, वनडे एग्जाम में पूछ भी देता है दिवस को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड बैंक ने आपके आंध्र प्रदेश राज्य में साल परियोजना के लिए यहाँ पे 250 मिलियन का ऋण दिया गया। तो आइए समझते हैं, साल परियोजना जो आपके आंध्र प्रदेश को वर्ल्ड बैंक द्वारा 250 मिलियन का ऋण दिया है, तो किस लिए दिया? तो यहाँ विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए जो कि पाथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में जो कि आंध्र प्रदेश के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन आपका साल परियोजना के समर्थन के लिए जो कि यहाँ पे 250 मिलियन जो कि बिना शर्त के यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो कि इस राज्य सरकार को, आंध्र प्रदेश सरकार को, जो कि लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन के परियोजना में जो कि समर्थन के लिए 250 मिलियन वो भी बिना शर्त के ऋण दे रहे, ताकि यहाँ पे लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों के लिए यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार को बिना आपके बिना समझौते के दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर Washington DC में हेडक्वार्टर है इसका, और आपके जो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, जो कि विश्व बैंक के वर्तमान में डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट हैं, और इसकी स्थापना July 1944 में किया गया। याद रखिए कि इसकी स्थापना दिवस को पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इसका हेडक्वार्टर Washington DC में है, और 1944 में जो कि इस्टेब्लिश किया था जुलाई में। इसका जो मोटो है, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फाइनेंस ऑफ पोएट्री, जो कि इसका मोटो है, तो ये भी याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने आपके आंध्र प्रदेश के साल परियोजना के लिए यहाँ पे 250 मिलियन का ऋण दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की वो राजधानी है आपका अमरावती, और यहाँ के जी आपके CM है YS जगनमोहन रेड्डी, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, और विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया था? IGI एयरपोर्ट, मुंबई मुंबई हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा या डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मुंबई हवाई अड्डा ने जो कि हरित ऊर्जा स्रोत से जो कि 100% परिचालन यहाँ पे शुरू हुई है, तो कौन सा मुंबई आपका तो हवाई अड्डा है? तो आपका मुंबई हवाई अड्डा ने जो कि यहाँ पे हरित ऊर्जा स्रोत से आप जो कि 100% यहाँ पे 100% परिचालन शुरू किया गया। तो मुंबई के मुख्यमंत्री हैं आपके, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो स्पेन, फ्रांस, भारत, डी है, इनमें से कोई। हाल ही में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम आपके भारत में लॉन्च किए गए हैं, मुख्य रूप से आपके गेम वगैरह एप्लीकेशन वगैरह रहता है, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं तो गेम और कई फीचर है वगैरह रहता है आपके, तो इसमें जो कि यहाँ पर गेम खेलेंगे तो आपको यहाँ पर जो कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसमें इसमें जो कि कोई भी इसमें बुक वगैरह सभी इसमें आपके गूगल प्ले पॉइंट्स में जो कि प्ले स्टोर में ये सब मिल जाएगा आपको, इसमें अगर गेम वगैरह खेलेंगे तो इसमें पॉइंट्स वगैरह मिलेगा।
इसके जो कि इस गूगल पे इस उद्देश्य यहाँ पे प्रोग्राम को लॉन्च किए गए हैं भारत में, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तेमसुला आओ का निधन हुआ कौन थी? तो गायिका, लेखिका, पत्रकार डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में तेमसुला लाओ का निधन हुआ है कौन सी थी? तो ये आपका लेखिका थे जी, तेमसुला लाओ जिनका निधन हुआ। तो पेशे से लेखिका, याद रखिए एग्जाम में आ सकता है, तो आपके लेखिका थे पेशे से, और तेमसुला याद रखिए नाम को जिनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए आपका सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? विनायक गोडसे, सुजाय लाल थावसेन, एन गोपाल कृष्णन, और आपके डी है इनमें कोई। तो हाल ही में विनायक गोडसे को जो कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखिए डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ विनायक गोडसे को बनाया गया है, भारतीय डेटा सुरक्षा जिसमें डेटा से संबंधित यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है, जिसके सीईओ आपके विनायक गोडसे को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक कौन बनी है? तो प्रतिमा भसीन, विजया भाटिया, मृणाली श्रीवास्तव या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मृणाली श्रीवास्तव जी को जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निर्देशक आपके मृणालिनी श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। तो इसे आपदा प्रबंधन से यहाँ पे जो कि निर्णय लिया जाता है, तो जी की इसके आपके निर्देशक मृणालिनी श्रीवास्तव जी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दूती चंद, कमलप्रीत कौर, अन्नू रानी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कमलप्रीत कौर जी पर जो कि इस भारतीय खिलाड़ी पर जो कि डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर जो कि डिस्कस खिलाड़ी हैं, तो कमलप्रीत कौर जो कि डोपिंग के आरोप में 3 साल का यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही जो याद रखिएगा, कमलप्रीत कौर जिन पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है जो कि भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया? तो अमेरिका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो कि अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर जीवनी पर कहा जाए तो यहाँ पे गांधी संग्रहालय खोला गया है अमेरिका में। तो अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ के राजधानी वाशिंगटन डीसी, आपका यहाँ के जो राष्ट्रपति जो बिडेन और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल के हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के कमला हैरिस जी हैं। तो अमेरिका में ही महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित आपका गांधी संग्रहालय खोला गया है अमेरिका में। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अमेरिका में गांधी जी का संग्रहालय खोला गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित किया गया? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश जो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है आंध्र। तो यहाँ पे बात करते हैं विशाखापट्टनम की, तो यहाँ पे पूर्वी नौसेना कमान ने यहाँ पे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा सबको। तो यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, यहाँ के आपके सीएम है वाईवी जगन रेड्डी, यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश के में, तो इसका आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुफाकू वन लॉन्च किया? तो जापान, फ्रांस, चीन, डी है इनमें से कोई। हाल ही में चीन ने जो कि सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला यहाँ पे कुफाकू वन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, यहाँ पे सौर वेधशाला है जिसका नाम है आपका कुफाकू एक लॉन्च किया गया है आपके चीन ने, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी सीआरआई इंडेक्स में जो कि नॉर्वे देश जो कि शीर्ष स्थान पर रहे, तो आइए समझते हैं सीआरआई इंडेक्स क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट टू आपका रिड्यूसिंग जो कि इन्वेंट्री इंडेक्स जिसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इसको जो कि मुख्य रूप से इसको लॉन्च किया था 2022 में जो कि कोविड महामारी के जो कि पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता
से लड़ने के लिए, जो कि 161 देशों में, जो कि सरकारी नीतियों और कार्यों के आधार पर इंडेक्स से तैयार किया जाता है, जिसको महामारी के कोविड महामारी पहले 2 साल पहले इसको जो कि लॉन्च किया गया है। इसमें जो कि 161 देश यहाँ पे भाग लिए हैं, और इसमें सरकारी नीति और कार्यों के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसे CRI इंडेक्स कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, जिसमें नॉर्वे देश शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट जो कि पाहिमी पाटके ने इस्तीफा दे दिया? चाड, सूडान, इथोपिया, डी है इनमें से कोई। हाल ही में चाड के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, इन्होंने अल्बर्ट जो पाहिमी पाटके ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चाड जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया? तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण जो कि अधिसूचित किया गया है, तो तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे जो कि भारत का पहला पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो याद रखिएगा, राज्य तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला जो कि सिलेंडर लोरिस अभ्यारण यहाँ पे अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री आर एन रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण अधिसूचित किया गया तमिलनाडु में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो रिया गर्ग, प्रतिमा शर्मा, जागृति यादव, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जागृति यादव जी की भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। तो हाल ही में इनको एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव, तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और 6 मंथ का आपका करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है, जाके देख सकते हैं, जो कि एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।